आज हम लोग बात करते हैं किस तरह का लोगों के साथ आपको रहना चाहिए, राइट? आप उस तरह का लोगों के साथ हमेशा रहो जो आपसे कुछ कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, राइट? आपको ये करना चाहिए, आप मुझे ये करना चाहिए, यू नो, वो लिस्ट बना के रखता है कि, है ना, कंप्लेनिंग पीपल, ये कंप्लेन, तूने ये नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट किया था, यू नो, समवेयर कौन आपसे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता है, उस तरह का एक आपको सोचना चाहिए, उस तरह का एक दोस्ती चाहिए, उस तरह का लोग चाहिए, उस तरह के फैमिली मेम्बर्स चाहिए, उस तरह का रिलेटिव चाहिए। मैं जो बोलता हूँ ये बहुत नामुमकिन है, लेकिन नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे दुनिया में मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स मैंने ऐसे बनाए, वो कभी मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते और ना मैं उनसे कभी एक्सपेक्ट करता हूँ। और जब नो एक्सपेक्टेशंस का एक रिलेशनशिप आता ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग आता है, इतना बेस्ट हो जाता ना कि आप हमेशा खुश रहते हो, आपको टेंशन नहीं, झगड़ा नहीं है, यू नो, परेशानी नहीं होगी, एटलीस्ट फैमिली को लेके, रिलेशनशिप को लेके, दोस्ती को लेके परेशान नहीं होगी, राइट? ऐसा आपको ढूंढना जरूरी है। आज मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरा फ्रेंड है, मैं उनका नाम लूँगा, इन लोगों को पता नहीं, ओके, आई वुड से शिशिर, ओके, ये हमेशा जब भी मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं बोलते हैं ये मेरा सर है, इन्होंने मेरा लाइफ सेट किया, मैं कॉलेज में था। हाँ, हालांकि वो कॉलेज से जब आ रहे थे तो मैंने उनको मेरे कंपनी में लेके गया, उनको शेयर मार्केट के बारे में ट्रेनिंग दिया, राइट? हम लोग ने उस तरह का ट्रेनिंग फिर शेयर मार्केट में आ गया, लेकिन वो बहुत लेवल तक आगे चले गए, ठीक है? मैं भी कुछ 10 साल तक था उसमें, अभी फिर वो तो बड़े बड़े लेवल पे, यू नो, आरएम इंचार्ज, ऐसा बड़े बड़े लेवल पे शेयर मार्केट पहुंच गया। मैं 2010-9-8 में मैं छोड़ दिया, उसके बाद मैं शेयर मार्केट में ही हूँ, मैं ट्रेनिंग में कंप्लीट आ गया मैं इसमें, लेकिन ये अभी भी मेरा नाम बोलते रहते, राइट? ओके, एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड टू। लेकिन किस तरह का फ्रेंड मालूम है, ना वो मेरे से कभी एक्सपेक्ट करता है, ना मैं उनसे कभी एक्सपेक्ट करता हूँ, राइट? और ये ऐसा हो गया कि इतना बुरा किसी दोस्ती में नहीं हो सकता, राइट? जब शिशिर का, मेरे दोस्त का लड़का हुआ, लड़की हुआ, मैंने देखने भी नहीं गया, और इतना देखने नहीं गया कि 3 साल 3.5 साल मैंने देखने नहीं गया, राइट? और ना उसने कभी आया मेरा, ऐसा कोई प्रोग्राम्स वगैरह में आया, ऐसा भी नहीं है। कभी हम लोग कैजुअली मिल जाते तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसके लिए ये नहीं किया, मेरा फंक्शन में ये नहीं किया, तूने आया नहीं, मैं तेरे लिए, ऐसा कभी भी होता नहीं है। और मैं हमेशा रूल्स में ये बताता हूँ कि कभी बोलते हैं सर जब भी काम है मैं कॉल करता हूँ आपको, सॉरी, मैं बोला नहीं, एटलीस्ट काम पे तो आप कॉल किए ना, ये बहुत बड़ी बात है, हैट्स ऑफ टू यू, राइट? आपने काम के लिए तो कॉल किया है, राइट? सो एक रिलेशन नहीं है मेरा, ऐसा बहुत सारे रिलेशन है मेरे साथ, जितना भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे करीब दोस्त हैं, मेरे फ्रेंडशिप हैं, वो सब इसी तरह का फ्रेंड्स हैं। क्योंकि जो कंप्लेन करने वाले को तो मैं उनके पास ही जाता नहीं, छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आज उनको बुरा लगा इसके लिए जाके आऊँ, कल भी उनको बुरा लगेगा, परसों भी बुरा लगेगा, उनको जितना भी बुरा लगता है वो सब कुछ मुझे ठीक करना पड़ेगा, और मेरे लिए इतना समय नहीं है कि मैं ये सब चीज़ में लगे रहूँ, और ना मैं चाहता हूँ मेरे लिए आप कुछ जाके हमेशा देख रहो। यहाँ से कि इतनी बुरी चीज़ है कि, यू नो, कभी बीमार हो गया या हॉस्पिटल में है, उस समय भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कोई आके मुझे देखना चाहिए। कभी आप फाइनेंशियल कंडीशंस में बुरा हो, पैसा नहीं है, यू नो, उस तरह का नतीजे में आ गया, तभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स आके मुझे हेल्प करना चाहिए। जिस दिन आपका एक्सपेक्टेशंस दूसरे की ओर रखते हो, राइट, आपकी खुशी दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, तो आप कैसे खुश रह सकते हो? क्योंकि आप खुश रहना नहीं रहना वो डिसाइड करते हैं, आप नहीं करते हो, तो गाड़ी वहीं पे अटक जाएगी। तो आप खुश होना है, दुख होना है, ये आप खुद ही होना है, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। दुख भी हो जाओ, आप खुद ही हो जाओ, उनके लिए मत हो जाना, वो उसने ऐसा किया इसके लिए मैं दुख हो गया,
तो वो तो ऐसे ही होते रहेगा, ऐसे ही होते रहेगा, तो फिर आप तो दुख होते रहेंगे, क्योंकि दुख होना से स्टॉप करना, दुख नहीं होना वो आपके कंट्रोल में है नहीं है, क्योंकि उसकी कंट्रोल में है। खुश होना दूसरे के कंट्रोल में है, आप खुश रहते हो दूसरे की वजह से, तो मतलब आपका खुशी आपके हाथ में नहीं है। आप दुख रहते हो आपके हाथ में नहीं है। जब हम दुख खुश दोनों अपने हाथ में ले लेते हैं तभी जिंदगी आगे बढ़ेगा। तो ये दोस्ती फ्रेंडशिप अपना दुनिया ऐसा बनाओ जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो। ओके, ये बहुत ही बढ़िया एक अनोखा मोमेंट है इस तरह का आपको दोस्त मिले तो। ओके, सो दोस्ती में नो एक्सपेक्टेशंस, और बोलने का मजा आता है लेकिन सच में बिना एक्सपेक्टेशंस का कुछ करें ऐसा होता नहीं है, राइट? और कोशिश करो, वो जब भी मैं कुछ ही बोलूँ तो बोलता है सर आपको जैसे ठीक लगे, यू नो ऐसा बोलता है। और मैं जब बोलता ना आपको जैसे ठीक लगे, तो मेरे तो पूरा होश उड़ जाता है, क्योंकि जब मेरे ऊपर इतना पूरा भरोसा किया है तो मुझे भी उतना ही करना चाहिए, राइट? ऐसा आ जाता ना बात, तो इस तरह का है। सो इस तरह की ज़िंदगी आप सोचेगा विथ नो एक्सपेक्टेशंस। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं हमेशा बोलते हैं कि यार मैं हॉस्पिटल में था तो आया नहीं, इसका हुआ तभी आया नहीं, तो उसका हुआ आया नहीं है, तो कभी देखा नहीं है। मैं बोला अरे बाप रे, कि मैं तो हर एक चीज़ में जाके देख नहीं सकता यार, बेटर है कि छोड़ दो, क्योंकि मैं हमेशा के लिए ये टिक आज के लिए मैं कर लूँगा कर सके, लेकिन मेरे फोकस, मेरा दुनिया, मैं लाखों लोग हजारों लोगों को मैं कुछ अच्छा करूँ या कुछ मेरे तरफ से हेल्प करूँ, मेरा ध्यान उसकी ओर है, ना कि मेरा एक रिलेटिव, मेरा दो रिलेटिव, मेरा फैमिली मेंबर्स, मेरा लाइफ उनके अंदर नहीं है। ठीक है, बोलते ना मैं एक दो के लिए नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ। सो आप अगर कोई इस तरह का जिंदगी चाहते हैं तो उस तरह का लीजिए। नो एक्सपेक्टेशंस, नो आपको भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए और वो भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह का एक दोस्ती बनाओ। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये हर जगह पे काम आएगा, जैसे आपको फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, है ना? आप सोच रहे हो कि ये था, तूने कुछ विश किया क्या, यू नो मैसेज किया क्या, मुझे लगा तू काफ़ी ला के देगा, है ना, या मुझे लगा तू ऐसा बोलेगा, यू नो एक्सपेक्टेशंस आप रख देते हो ना, खत्म। बी योर ओन, यू आर दी मास्टर, राइट? कहीं पे भी जाना, अकेले जाने की ट्राई करो, राइट? जो आदमी अकेले रहने से अकेले रह जाता ना, ही इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन, बिकॉज उसको कुछ पड़ी नहीं है, राइट? सो जब आप अकेले रहना चालू कर देते हो, यानी कि एक्सपेक्टेशन कोई आएगा तभी आपकी ज़िंदगी खुश होगी, कोई होगा तभी कुछ होगा, तो अच्छा है, दैट हैज़ टू बी ए बोनस, बट उसी की वजह से आपकी खुशी और गम निर्भर नहीं होना चाहिए, राइट? होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।